अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज मेरे साथ कासिम भाई नहीं बल्कि आसिम मौजूद हैं, और आसिम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है कि मेरी और आसिम की पहली मुलाकात सऊदी में हुई थी, और आज हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद में, और आज इस्लामाबाद की सड़कें होंगी और हम होंगे। और आज की व्लॉग की सबसे खूबसूरती ये होगी कि कल रात से इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी कहते हैं कि ख़तरनाक हो चुका है, और पता ही आपको इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो इस्लामाबाद खूबसूरती होती है, उसको चार चांद लग जाते हैं। तो उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मैं अभी आसिम के पास ही स्टे कर रहा हूँ, और जनाब ने एक रूम को ऐसा डेकोरेट किया हुआ है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चलें जी, आप इंजॉय करें जी आज की वीडियो को। ठीक है, ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलें जी, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं कि ये देखें बाइकर्स हैं जी, ये मुझे लग रहे हैं कि नेपाल से हैं जी, और इस्लामाबाद में मुझे भी ये लग रहा है कि कोई टूर पे जा रहे हैं ये भाई साहब, ये चेक कर लें जी। लास्ट वीडियो में आपको इस्लामाबाद प्रॉपर नहीं दिखा सका था, तो आज स्पेशल मैंने आसिम कहा है कि सिर्फ चलें, और ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको फैसल मास का व्यू दे सकें। चेक करें जी कितना ज़बरदस्त व्यू है जी, माशाल्लाह। चलें जी, मैं इसकी तरफ जा रहा हूं ताकि आपको एक करीबी व्यू दे सकूं, और मैं तकरीबन मस्जिद में फैसल मास में तकरीबन आ रहा हूँ ये 10 से 15 साल के बाद। मौसम भी कल रात से इस्लामाबाद का ख़राब है जी, बारिश हो रही थी और अभी भी बादल हैं, तो और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि जब भी बारिश होती है इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है वो क्या कहते हैं खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं, तो हम मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि कैसा मौसम है फ़िलहाल, बादल हैं अभी भी, और लेकिन बस मैंने आपको व्यू देने के लिए यहाँ पे आया था। यहाँ पे मोस्टली लोग फ़ोटोशूट के लिए आते हैं, और लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहूँगा कि मस्जिद के तकद्दस का ख्याल रखें, और कम अज़ कम मस्जिद के अंदर मैंने वीडियोज़ और फ़ोटोशूट से गुरेज करना चाहिए। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी सब की अपनी राय है। सिद्दीक भाई, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जी, छली वगैरह, और वो भाई सब खड़े हैं जी गाड़ी में, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, और चलते हैं जी हम गाड़ी में और बाकी मंजर की तरफ। आज पत्नी फैसल मस्जिद में क्या है कि वो क्या है मौलियों के ट्रक भर के आ रहे हैं इधर। I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm all. देखते हैं जी हमने क्या करना है। चले जी, हम पहुंचे हैं जी टोयोटा इस्लामाबाद मोटर्स पे। ये भाई साहब ने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है और अभी देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है जी। चले जाना। ये भाई साहब कह रहे हैं कि टाइम तो थोड़ा लगेगा जी, ऑटोमेटिकली ऑयल चेंज होगा जी। भाई साहब कह रहे हैं जाने दे। लेट्स सी जी, अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं। उधर भाई साहब कॉल आ रही है, करे जल्दी काम हो जाए। चीज बिखा रहे, मैं भी आग देखना। गाड़ी का ऑयल चेंज हो चुका है जी, और अभी बाकी जो भी उसकी टायरिंग अलाइनमेंट थी व्हाट्सएवर, अभी काम बाकी चल रहा है जी। हम ऊपर जी आसम के दोस्त के ऑफिस में बैठे हैं जी, वो जनाब गायब हैं। हेलो कर दो भाई। हमने गाड़ी की सर्विस वगैरह ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है, और अभी हम यहाँ से निकले हैं जी। नेक्स्ट हमारी कंपेन गांव में, हमने कहाँ जाना है जी? G11 में जाना है हमने जी। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक आप लोगों को क्विक अपडेट ये देना चाहूँगा कि आजकल पिंडी इस्लामाबाद के जो हालात हैं थोड़े क्रिटिकल हैं। मतलब है कि थोड़े से आप एहतियात कीजिए जब आप बाहर जाएँ, स्पेशली मोबाइल वगैरह एहतियात से यूज़ करें। और मैं भी आजकल यही मेरी कोशिश होती है कि यार मैं बाहर जब निकलूं मोबाइल यूज़ ना करूं, ऐसी वीडियोस बाहर शूट ना करूं। तो इंसिडेंट हुए हैं मेरी फैमिली में। मैं आप लोगों को यही अपडेट करना चाहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, मोबाइल वगैरह आप यूज़ ना करें। जहाँ भी जाएँ कोशिश करें गाड़ी में कोई ऐसी कीमती चीज़ छोड़ के ना जाएँ। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, तो प्लीज़ इस हवाले से आप ख्याल रखें। तो अभी आप देख सकते हैं कि बच्चे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं जी, पतंगबाजी चल रही है इस्लामाबाद है। लेकिन दो के क्या कह सकते हैं कि पंजाब में पतंगबाजी पे वो क्या कहते हैं ना पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद ये फुल कह सकते हैं कि ज़ोरों शोर से जा रही है जी पतंगबाजी। जितने भी बाकी शहरों में रहने वाले लोग हैं वो इस माहौल को मिस करते हैं, और उनकी भी कोशिश होती है यार हमारे शहरों में भी इस्लामाबाद जैसा माहौल हो जाए और इतना ही खूबसूरत हमारा शहर हो जाए, बाकी जितने भी हमारे शहर नीट एंड क्लीन हो जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? वैसे इंडिविजुअल हर बंदे को अपने तौर पर इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। ये बहुत ही ईजी है कि अगर हम सिंपल सी अगर बात है, हमारे गली मोहल्ले में हमारे जो घरों के सामने जगह होती है वो अगर हर कोई अपने अपने घरों के सामने से साफ करे तो ऑटोमेटिकली हमारी गलियां हमारी सड़कें साफ हो जाएंगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन के हमारे जितने भी कंपेने थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ जी वापसी के लिए। जाऊँगा, देखता हूँ कौन सी बस मिलती है, क्या हिसाब तब होगा। और उसके अलावा एक खुशखबरी ये भी है कि कल ही पेट्रोल की जो प्राइसेज है वो बढ़ी हैं यहाँ पे, 250 हो गए, राइट? यस 250 हो गए। अल्लाह खैर करे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रह के ज़रूर कीजिएगा। मुझे और आसिफ को दी इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।